अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अरशद हुसैन है। मैं नॉर्थ वेस्ट जनरल अस्पताल पेशावर में काम करता हूं और मैं शुगर और हार्मोन्स का इलाज करता हूं। आज का जो मैसेज है, पैगाम है, वो वर्ल्ड डायबिटीज़ डे, जो शुगर का, डायबिटीज़ का आलमी दिन जो मनाया जाता है 14 नवंबर को, उसके हवाले से है। और आज मैं आपको डायबिटीज़ से बचाव के चंद बातें उसके मुताबिक मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहली बात यह कि डायबिटीज़ से क्या बचाव मुमकिन है, तो इसका जवाब हाँ में है। अब वो बचाव कैसे मुमकिन है, सबसे पहले हम अगर अपनी ग़िज़ा पे फोकस कर लें, जो डाइट है हमारी की, उसको सही कर लें, मुतवाजन ग़िज़ा खाएँ। अब मुतवाजन ग़िज़ा में इस तरह की चीज़ें कि जो सेहतमंद खुराक है, कि जिसमें सब्ज़ियाँ भी ज़्यादा हों, नेचुरल चीज़ें, कुदरती चीज़ें, अज्जा वो बहुत ज़्यादा हों, रोटी का इस्तेमाल कम हो, चावल का इस्तेमाल कम हो, सॉफ्ट ड्रिंक्स बंदा उसकी जगह पानी पी ले, और जो मीठी चीज़ें हैं वो कम से कम और बहुत कभी कभी जो है ना वो खा लिया करें। तो ये तो सिर्फ डाइट की बात हो गई। डाइट के अलावा उसमें वर्जिश भी है। अब अगर आपको मौका मिलता है कि आप रोज़ाना आधे से लेके एक घंटे तक वॉक कर सकते हैं, चहलकदमी कर सकते हैं, तो बड़ी अच्छी बात है। अगर आपको वो टाइम नहीं मिलता तो आप स्टेप्स, कदम भी जो है ना वो काउंट कर सकते हैं। तो लोग आम तौर पे 3000 से 5000 तक स्टेप्स डेली करते हैं। स्टेप्स का ये फ़ायदा होता है कि आप अपने घर में या अपने ऑफिस में सुबह से लेकर शाम तक कम से कम 5000 कदम या 5000 स्टेप्स पूरे कर सकते हैं, जो बड़ी आसानी से बंदा कर सकता है। 6 से 8 गिलास रोज़ाना पानी पिएं, सेहतमंद ग़िज़ा खाएँ और स्ट्रेस बिल्कुल ना लें, तो ये इससे बचाव मुमकिन है। इसके बारे में फर्दर आगे मजीद मालूमात के लिए किसी मुस्तनद डॉक्टर से अपने इलाके में आप मशवरा कर सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया।